अस्सलाम वालेकुम। पार्ट फर्स्ट तक हमारा सफ़र मोस्ट पूरे टॉप तक था। अब पार्ट सेकंड में हम मोस्ट पूरे टॉप से ही स्टार्ट करेंगे। वहाँ से नीचे उतर कर हम कहाँ कहाँ गए और क्या 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 वो अब इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे। मुशपुरी के स्टॉप पर पेश खिदमत है तौहीद। मौसम सुहाना और लड़के खराब ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पेश खिदमत है प्रपोजल। دا خیره واپسی روانه ده ټریک نه حالات را ته دې ټریک خراب کړی و دومره سپیډ کې را خوش یو شیخ دوه خسور کې شیخ راست ګوره شیخ دوه خسور کې اور ته دا حالات دي دا دوه یاران سره په دې ټریک را لږه بل ټریک باندې راغلی و دا موږ روان یو د کالج نه د نور کانو نه پټ شو اوس موږ روان یو ایوبیا ته هغه په پلان باندې کوو بیا به دا غینه پس چې د نه یک ټنل دی نو وی هغه به ډیسکور کوو دا ری وکړه او ایوبیا خبره د نشر کا کوچا د مولا نه دی ویلې نور نه پټ شو اوس ته خیرو کې بیا ورته سپیشل سپیشل زمونږ د پاره وېټ کوي پکې څه وین غواړي پنده وکړو ډیر ډیر مته روانی अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन थी, या तो हम जाएं पाइपलाइन ट्रैक या फिर आराम से बसेस चले जाएं और मरी की तरफ रवाना हो जाएं। एंड वी चोज द फर्स्ट वन। कॉलेज में तो वैसे भी बंक कर से यहाँ पर ट्रिप में भी बंक ट्रेन पे भी बंक वो सारे आ गए अभी दो घंटे कर रहे हैं ट्रिप में भी बंक उसको कहते हैं बैक वेंचर वेट करेंगे क्योंकि हम जो है ना बंक करके इधर आए हैं चाह रहे हैं यूबीआई आए हैं टीचर को बिना बताए और व्लॉग में जो है ना तीन किस्म की जो है ना लैंग्वेजेस बोली जा रही है इंग्लिश उर्दू और पश्तो जब आपने आधा ट्रैक किया और आपको कॉल आ जाए कि हाँ भाई कहाँ हो, तब मज़ा आता है और ये मज़ा हमें भी मिला। और इस वक्त आपको वॉकिंग छोड़कर जॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। चार किलोमीटर 40 मिनट का ट्रैक जब आप पार करते हैं तो आप फाइनली पहुँचते हैं टनल, और ये टनल इस ट्रैक का एंड है।
हमें टनल मिल जाए और हम उससे आराम से गुजर जाए, ऐसा हो सकता है बाला? Alaka, exit, and this here we are at the parking of Ayubia. Dear sir, रुको, ये जो शेख आपको इतनी टेंशन में नज़र आ रही है और कोई नहीं है बल्कि हमारे टीचर ही हैं जो हमारे बारे में पूछ रहे हैं। तो अब हालात ख़राब हैं। मसला अब यहाँ पर यह था कि डोंगा गली से लेकर अयूबिया तक का ट्रैक जो था वो 4 किलोमीटर का था, और फिर अयूबिया से डोंगा गली का बाय रोड रास्ता 13 किलोमीटर का था साहब। तो मसला अब यहाँ बन गया, इसीलिए जल्दी जल्दी सुजुकी से बात करके सुजुकी में रवाना हो गए। और इसके बाद बेस निकालकर आराम से हम अपने बस में बैठ गए, लेकिन पनिशमेंट की वजह से हमें लड़कियों के पीछे बैठा दिया दूसरे बस में। फाइनली बेस निकालकर आराम से बैठ गए और सर ने हमारी आवाज़ दिया जाएगा और आप लोगों के खिलाफ, और हम ये कोशिश करेंगे कि कोई आप लोग ना जाओ फाइनली अर्थ तक। और हम बात तो आप देखिए पे शर्मिंदा है थोड़ा, लेकिन एंजॉय किया वक्त हमने, करे वक्त बहुत इंजॉय किया। और बाकी जो है कि वर्जिश हम क्या एडवेंचर्स फॉरएवर, एडवेंचर्स फॉरएवर। डोंगा गली से निकल कर हम मरी की तरफ चलते हैं और मरी पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है और खामोश बैठने की वजह से हमारे हालात भी ख़राब हुए होते हैं। मरी में थोड़ा एंजॉय करके हमने टीचर से बात की कि हम इस आवाज़ में थोड़ा स्टे करेंगे और वो राज़ी भी हो गए, लेकिन जब हमने ड्राइवर्स को बताया तो उसने बदतमीजी शुरू की और टीचर से भी बदतमीजी कर दी।
अब इसकी वजह से हम सब बसेस से उतर गए और ये जो है ना टीचर्स ने उससे कहा कि हम इस्लामाबाद में स्टे करो, और इसी की वजह से हम फिर से बसेस में चढ़ गए और हम अपना शगल मेरा जारी रखा। इस्लामाबाद तक हम अपना शगल शुरू किया हुआ था, और इसी शगल में आसिन ने डांस परफॉर्मेंस की जो कि बेहतरीन थी, उसकी एक वीडियो क्लिप आपके सामने। जब इस्लामाबाद पहुंचे तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकने से फिर से इनकार कर दिया और धमकियां देनी शुरू कर दी कि तुम लोग अब गाड़ी रोक के दिखाओ। और इसी के साथ हमने ड्राइवर से कोई लांजा वांजा नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि अब आप गाड़ी चला के दिखाओ। और इंटरचेंज पर जैसी गाड़ी आहिस्ता हुई तो हम सब के सब गाड़ी से कूद गए। कूदने का मतलब ये है कि गाड़ी जब स्लो हुई तो हम जंप कर लें। अब गाड़ी जैसी हम वहाँ पर देखे तो गाड़ी खड़ी हो गई, और हम दूसरे बस का जिसमें हमारे टीचर थे उसका इंतजार कर रहे थे कि वो जब आएगी तो हम इस ड्राइवर को चेंज करेंगे। जब हमारे टीचर्स आए तो हमने उनको बताया कि हम अब जिद पर हैं और हम अब हॉस्टल जाएंगे, इस्लामाबाद में भी स्टे नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो ड्राइवर है उसको चेंज करो, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ड्राइवर चेंज नहीं होगा। लेकिन टीचर्स ने फिर से रिक्वेस्ट की, और टीचर्स की रिक्वेस्ट की वजह से हम फिर से जहाँ पर हमें पनिशमेंट मिली थी, पनिशमेंट के थ्रू पर इस वक्त नहीं, लेकिन हम फिर से लड़कियों के पीछे बैठ गए और मर्दान तक अपना सफ़र अपने ख़राब गलों के साथ ऐसे ही शुरू कर दिया। और मर्दान जब पहुँचे तो वहाँ पर हॉस्टल में सो गए और अगले दिन जो है अपने घरों पर चले गए, क्योंकि समर वेकेशन हो चुकी थी। ये है हमारी कहानी ट्रिप की, और यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम होता है।